औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर यूसुफ़ और वेलकम टू ज़ूबी सॉल्यूशंस। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें FBR की जानिब से 492 इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की वैकेंसीज अनाउंस की गई थी, उसको हमने डिस्कस किया था। हमने उस वीडियो में सीखा था कि हम इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सिलेबस को भी कुछ थोड़ा सा हमने टच दिया था। आज की अपनी इस वीडियो में हम सिलेबस के हवाले से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है और इसकी हम प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं। सिलेबस के हवाले से मेरे पास फुल मटेरियल है जिसको इंशाल्लाह यूज़ करके आप 80-90% इस टेस्ट के हवाले से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुँच सकें। इंशाल्लाह 95% चांसेस हैं कि जो सिलेबस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वही सिलेबस इस पोस्ट के हवाले से FBR भी अनाउंस करेगा। लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट्स होती भी हैं तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही अमेंडमेंट्स होगी वीडियो बनाकर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो भी बस जो इस पोस्ट का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से होगा इंशाल्लाह। पार्ट वन होगा, इंग्लिश MCQs होंगे इसमें 20 मार्क्स के, जिसमें वोकैबुलरी होगी, ग्रामर यूजेज होगी और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी। देन पार्ट टू प्रोफेशनल है, ये कंसिस्ट करेगा फंक्शंस ऑफ FBR पे, फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड सेल टैक्स एक्ट 1990। तो वन बाय वन मैं ये चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनकी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। कि ये पेपर 100 मार्क्स का होगा और आप में इसको और इसमें आपको 100 मिनट्स ही दिए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इंग्लिश की तैयारी के लिए जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रामर की बुक्स आपको मिल जाएंगी, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ते रहे, लेकिन कुछ नोट्स मैंने इकट्ठे किए हैं, ये भी आपको बड़ा हेल्प आउट करेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर नोट्स हैं, ये मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। वन बाय वन मैं आपको तमाम चीज़ें ओपन करके बताऊँगा। ये नोट्स हैं इंशाल्लाह, ये भी आप स्टडी कर लीजिएगा, ये भी आपको हेल्प आउट करेंगे। ग्रामर को ही कहूँगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए और ग्रामर की जो बुक्स हैं वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोफेशनल स्टडीज पे, फंक्शंस ऑफ FBR। फंक्शंस के हवाले से मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये फंक्शंस ऑफ FBR हैं, ये मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं इंशाल्लाह। देन उसके बाद फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है, फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के नोट्स, ये PDF की फाइल है। तो ये फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मैंने कुछ नोट्स इकट्ठे किए हैं, आप इनको भी स्टडी कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो हमारे पास चीज आती है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स। अब मैंने जो आपको फंक्शन वाली फाइल बताई है, इसी में ही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी नोट्स हैं, या आप इसको इसका नेम भी मैंने कुछ ऐसे ही दिया, फंक्शंस एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो PDF में भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये देखिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स के हवाले से ये नोट्स हैं, आप इनको भी स्टडी कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो चीज हमारे पास आ रही है वो है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। फेडरल एक्साइज एक्ट भी मैंने आपके लिए रखा है। व्यूअर्स, जितने भी एक्ट्स हैं ये अपडेटेड अप टू 30 जून 2021 है, बीट फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 है, इसको भी आप स्टडी कर लें। देन इसके बाद जो सिलेबस में हमारे पास चीज आती है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी इन्हीं नोट्स में इंक्लूड किया है मैंने। ये देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी कंप्लीट ऑर्डिनेंस है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये सेल टैक्स एक्ट है जी, ये तमाम इंफॉर्मेशन अपडेटेड है और लेटेस्ट ये सारे एक्ट्स हैं। कि मैंने एक बुक भी डाउनलोड की है जिसमें तमाम पोर्शंस हैं और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। ये बुक है जी, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक है, इसको मैं आपके सामने ओपन करके बता देता हूँ और थोड़ा सा इसके हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। 193 पेजेस की ये बुक है। अब ये देखिए आप, इसमें पोर्शन वाइज MCQs हैं, इंग्लिश का पार्ट भी है और जो प्रोफेशनल स्टडीज हैं वो भी सारी इसमें हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड भी हैं, फिस्कल पॉलिसी भी है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म भी है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी हैं और जो ऑर्डिनेंस वगैरह हैं वो भी यहाँ पे हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ये बेसिकली MCQs पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे पेज अभी
80 सर्च कर लेता हूँ। तो आप देखिए इस तरह की MCQs हैं और उसके बाद इसमें आंसर्स भी दिए गए हैं। किया गया इस बुक में तमाम कोर्स को इकट्ठा कर दिया गया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सूरत में ये कोर्स आपको बताया जा रहा है, तो इसको भी आप स्टडी कर लें। देन पास्ट पेपर्स, ये कुछ सालों के पास्ट पेपर्स भी हैं प्रीवियस, इनको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी आपको नो हाउ हो जाएगी कि जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जॉब है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पेपर भी सॉल्व हैं, ये देखिए 2013 के पेपर हैं, इसी तरह कुछ सालों के पेपर हैं, आप इनको भी स्टडी कर लीजिएगा। तो ये तो व्यूअर्स जितना भी मटेरियल मैं इकट्ठा कर सकता था मैंने आपके इकट्ठा किया और उसको PDF के फॉर्म में लेके आऊँ, फिर ये बुक भी है, तो तमाम चीज़ें आपको काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर सकती हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि रट्टा ना लगाएं, तमाम चीज़ों से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, उनको पढ़ लें, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ लें। कोशिश ये करें कम से कम आप 3 दफ़ा इन चीज़ों को पढ़ें। नोट्स को अवेल करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया है, आप मुझे मेरे मेल एड्रेस पे भी बता सकते हैं और आप वीडियो में भी कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, मैं ऐसे ही आप कमेंट करेंगे मैं एज सून एज पॉसिबल कोशिश करूंगा कि ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँ। ये फाइल को मैंने जिप फाइल में इकट्ठा कर दिया, मैं ये जिप फाइल आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा, आप इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी टेस्ट में काफ़ी टाइम है तो आप इन नोट्स को ईजीली पढ़ सकते हैं और बड़े अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू वेरी मच वीडियो का अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि नोट्स किस किस को चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।